नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम इकोनॉमी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का डेली का शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये हमारा आज का एजेंडा, उसमें पहला टॉपिक है मसाला बॉन्ड, दूसरा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ये एक रिपोर्ट आई है अभी। तीसरा टॉपिक होगा तंबाकू निर्यात, भारत से अभी तंबाकू निर्यात किया गया है, इसको देखेंगे। और पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, इसको देखेंगे। पेमेंट एग्रीगेटर और एक टर्म होता है पेमेंट गेटवे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पर। आज का हमारा पहला टॉपिक है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड है क्या? यह भारत के बाहर जारी किया गया एक बॉन्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय रुपए में ही जारी किया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह पैसा उधार लेने का एक टूल होता है, भारत के बाहर से विदेशों से पैसा उधार लेने का एक टूल होता है जिसे हम मसाला बॉन्ड कहते हैं। आइए देख लेते हैं ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड कुछ नहीं, यह एक सिंपल एक पेपर होता है जिसमें ऋण संबंधी सेवा व शर्तें लिखी होती हैं, ऋण और सेवा संबंधी शर्तें लिखी होती हैं, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। इसमें दोनों पक्ष सहमत होते हैं, पार्टी ए और बी, ये दोनों आपस में समझौता करते हैं जिसमें दोनों सहमत होते हैं और ये बाद में इसको तोड़ते नहीं हैं, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो मसाला बॉन्ड है यह 3 साल के लिए और 5 साल के लिए जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड 3 साल, इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 साल और 5 साल का होता है। अगर अमाउंट उधार लेने का जो अमाउंट है वह 50 मिलियन यूएस डॉलर से कम है तो वह 3 साल के लिए होगा, और अगर 50 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक है तो वह 5 साल के लिए उसके मेच्योरिटी पीरियड रहता है। अब देखते हैं इसको हम मसाला बॉन्ड ही क्यों कहते हैं। आप पढ़े होंगे प्राचीन काल में भारत फेमस था मसाला के लिए, पुर्तगाली लोग भी आते थे भारत से मसाला खरीदते थे और यूरोप में जाके बेचते थे अच्छे दामों पे। तो भारत हमेशा से फेमस रहा है यहाँ के मसालों के लिए, और मसाला भारतीय व्यंजनों का एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। तो इसे विदेशों में भारत की एक पहचान बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए मसाला शब्द का इसमें उपयोग किया गया है, जिससे ये डिनोट हो सके कि यह जो बॉन्ड है यह भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय कंपनियों के द्वारा जारी किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसे कौन कौन जारी कर सकता है। इसे भारत में स्थित कोई भी वित्तीय संस्थान या कंपनी जारी कर सकता है जिन्हें बिना जोखिम का फंड जुटाने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे बिना जोखिम का मतलब क्या है? बिना जोखिम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह बॉन्ड सिर्फ रुपए में ही जारी किया जा सकता है, इसे और किसी करेंसी में आप जारी नहीं कर सकते हैं। और रुपए में जारी करने से फायदा ये होता है कि यह डॉलर या अन्य किसी मुद्राओं, डॉलर, यूरो और कोई भी मुद्रा है, उनमें कितना भी उतार चढ़ाव होता रहे उससे कोई डर नहीं रहता। जैसे अभी कुछ समय पहले डॉलर का मूल एक डॉलर बराबर 74 रुपए था, आज की डेट में $1 बराबर हो गया है 80 रुपए के लगभग। तो अगर हम ये रुपए में जारी नहीं करेंगे तो डॉलर के उतार चढ़ाव से बॉन्ड को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम रुपए में जारी करते हैं तो डॉलर के उतार चढ़ाव से कोई भी बॉन्ड में इफेक्ट नहीं आता, हमें उतना ही अमाउंट देना पड़ता है जितना कि हमने उसे उधार लिया है। आइए इसको एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे क्लब IAS ने 1000 रुपए का एक मसाला बॉन्ड जारी किया, और विदेश में स्थित किसी जैकब ने 1000 रुपया देकर क्लब IAS से बॉन्ड खरीद लिया। अब इस बॉन्ड में मान लेते हैं, सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि 10% सालाना हम मूलधन पर इंटरेस्ट देंगे, ऐसा बॉन्ड में शर्तें लिखी हैं। जो भी हमसे बॉन्ड खरीदेगा हम उसे सालाना 10% इंटरेस्ट देंगे। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि 3 साल के लिए हमने इससे ये करार किया था कि 3 साल बाद हम तुमको वापस तुम्हारा पैसा कर देंगे। अब जब 3 वर्ष बाद क्लब IAS 1000 रुपये पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा, मान लेते हैं इंटरेस्ट 300 रुपये बना, हम 10% इंटरेस्ट पे दिए थे, उसका 3 साल का इंटरेस्ट 300 बना, तो हम उसे टोटल 1300 रुपये देकर उसे वो बॉन्ड करार तोड़ देंगे कि अब हम बॉन्ड अपना वापस ले लिए। अब इसमें 3 साल पहले डॉलर का क्या अमाउंट था जब हमने
जब उसने हमसे 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदा था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और आज डॉलर का क्या क्या रेट चल रहा है डॉलर एक्सचेंज का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ रुपए पे ही ट्रांजेक्शन करेंगे। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब जैकब ने 1,000 रुपए, मान लेते हैं जैकब अमेरिका का है, वहाँ US डॉलर चलता है, तो उसके पास तो रुपए होंगे नहीं, वो अपना इससे रिलेट इससे जो एक्सचेंज लाएगा वो RBI से 1,000 रुपए डॉलर के मुकाबले खरीद लेगा, और वो 1,000 रुपए में मसाला बॉन्ड खरीदेगा क्लब IS कंपनी से। तो अब क्या, जब हम लास्ट में उसको वापस करेंगे तो हम उसको 1,000 रुपए वापस करेंगे और इस पे इंटरेस्ट जो बन रहा है 300 रुपए 3,000 रुपए। तो वो जब US जाएगा तो वो यहाँ से 1,000 रुपए या 1,300 रुपए जमा करेगा RBI पे, उससे US डॉलर लेके चला जाएगा। इससे प्रॉफिट ये होगा कि इसमें हमारा डॉलर का कितना ऊपर या नीचे हो रहा है, भारत के जो व्यापारी हैं या जो कंपनी है उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मसाला बॉन्ड को सेफ माना जाता है, इसीलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। आइए देखते हैं हमारा आज का दूसरा टॉपिक, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 अभी जारी किया गया है। इसे जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये याद रखिएगा, जारीकर्ता का नाम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। इस इंडेक्स में टोटल 173 शहरों का वहाँ पे आकलन किया गया है और वहाँ रहने वाली स्थितियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, और ये स्थितियों के आधार क्या क्या है, मतलब रहने की स्थितियों को कैसे आकलन किया जाता है, उसके 5 कारक हैं। पहला है स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। वहाँ पे ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या कि उस शहर में दंगा फसाद वगैरह तो नहीं होता, लोग शांति से सौहार्द से रह रहे हैं या नहीं, वो देखा जाता है। वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा है, हेल्थ केयर कैसा है वो देखेंगे, और वहाँ की संस्कृति और पर्यावरण कैसा है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है या नहीं, ये सब देखेंगे, और वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है, और बुनियादी ढांचा यानी कि वहाँ पे सड़कें कंपनियों के लिए, कंपनीज़ के लिए अनुकूल दशाएँ हैं या नहीं, ये सारी ये 5 चीज़ें टोटल देखी जाती हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के जो रैंकिंग प्रदान की गई है वो ये 5 स्थितियों के आधार पर दी गई है। और इसमें से ये स्थिरता, पहला है स्थिरता और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, इन तीनों को ज़्यादा भारांश दिया जाता है। जैसे इनके आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जैसे स्थिरता के आधार पर दे लिए 10 नंबर में से हम किसी को 5 दे रहे हैं कि कौन 9 अंक हासिल कर रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि स्थिरता और सांस्कृतिक पर्यावरण के आधार पर को अधिक भारांश दिया जाता है, स्थिरता और सांस्कृतिक पर्यावरण को अधिक भारांश दिया जाता है जिससे कि एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा हो सके। अब देखते हैं कि विश्व में सर्वोच्च शहर, मतलब सर्वोच्च शहर की रैंकिंग किसे दी गई है। वियना है, आप ये बताएंगे किस देश की राजधानी है। विश्व में सर्वोच्च रैंक का शहर है वियना, और भारत में कौन से शहर हैं जिन्हें इस रैंकिंग में स्थान मिला है। भारत में सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है दिल्ली को, वो है 140वां रैंक मिला है भारत को, तो ये भारत का सबसे अच्छा है दिल्ली, फिर है मुंबई, फिर है चेन्नई, फिर है अहमदाबाद, और लास्ट में है बेंगलुरु। अहमदाबाद और बेंगलुरु शायद ये पहली बार इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बेंगलुरु को 146वां स्थान मिला है, और दिल्ली को 140, मुंबई को 141, चेन्नई 142 और अहमदाबाद 143। आइए देखते हैं हमारा आज का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है कि तंबाकू का निर्यात अभी किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार की एक फर्म द्वारा। यह फर्म सहकारी समिति है, एक तरीके की सहकारी फर्म है जिसके द्वारा 120 टन तंबाकू का निर्यात किया गया है, और ऐसा पहली बार किया गया, इसीलिए यह न्यूज में है। तो आइए देखते हैं, अब हमको इससे नहीं मतलब है कि 120 टन किया गया या 500 टन किया गया, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये पूछेगा तंबाकू के बारे में, तंबाकू के जो ट्रेडिशनल फैक्ट होंगे उनके बारे में देखेगा। आइए हम देखते हैं तंबाकू और भारत की क्या, तंबाकू की भारत में क्या स्थिति है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है भारत, और पहला है चीन। तंबाकू उत्पादन में ये सभी फैक्ट आप
एकदम मगअप कर लीजिए, विश्व का दूसरा है तंबाकू उत्पादन में, भारत का स्थान दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है और चीन का स्थान पहला है, ये याद रखिएगा। एक बार चावल में पूछा जा चुका है, हो सकता है तंबाकू भी पूछ ले, क्योंकि उस समय पर भी चावल चीन चीन का स्थान चावल में पहला था और भारत का दूसरा, तो इसमें तंबाकू में भी यही कंडीशन है, चीन का स्थान पहला है तंबाकू उत्पादन में और भारत का दूसरा, और निर्यात करने में पहला है ब्राजील का और भारत का है दूसरा, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान है तंबाकू निर्यात करने में, ब्राजील का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। अब चीन वाले लोग तंबाकू उत्पादित तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो पूरा कंज्यूम कर जाते हैं, बीड़ी पी जाते हैं, तंबाकू खा जाते हैं, तो वह उतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाते, हम लोग भी इतना निर्यात नहीं कर पाते, लेकिन हम उत्पादक की अपेक्षा उत्पादक के रेशियो में निर्यातक हम अच्छे हैं, हमारा उत्पादन में भी दूसरा स्थान है, निर्यातक में भी दूसरा स्थान है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसको जरूर याद रखिएगा। और भारत में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू की खेती होती है। आइए देखते हैं तंबाकू की खेती के लिए कौन कौन सी जलवायु दशाएं जिम्मेदार होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि तंबाकू एक रबी की फसल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, तंबाकू एक रबी की फसल है और इसके अधिक उत्पादन के लिए या कि इसके सामान्य उत्पादन के लिए 88 से 125 ml पर मंथ वर्षा की जरूरत होती है। यहाँ पे पर ईयर नहीं है, पर मंथ, 88 से 125 ml पर मंथ। अगर ईयर वाला होता तो वो सेंटीमीटर में वर्षा को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 88 से 125 ml पर मंथ वर्षा है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको 100 से 120 दिन पाला रहित मौसम चाहिए होता है और तेज़ हवा और तूफान में ये फसल ख़राब हो जाती है, इसकी क्षमता नहीं होती तेज़ हवा और तूफान सहन करने की। और इसका उत्पादन मध्यम मध्यम दोमट मिट्टी में अधिक होता है, तंबाकू का उत्पादन के लिए मध्यम दोमट मिट्टी अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस कम होता है, दोमट मिट्टी में ह्यूमस कम होता है, पोटास फास्फेरिक एसिड और आयरन अधिक होता है, पोटास फास्फेरिक एसिड और आयरन अधिक होता है, ह्यूमस कम होता है, इसीलिए यह तंबाकू के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है। यह अर्ध उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है, यह अर्ध उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। तंबाकू उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इस साल आंध्र प्रदेश सबसे आगे है तंबाकू उत्पादक राज्यों में। और भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए शासी निकाय क्या है? तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया, यह उद्योग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तंबाकू बोर्ड। आइए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर, या इसे हम मार्चेंट एग्रीगेटर भी कहते हैं। अब ये एग्रीगेटर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने वाला, कलेक्टर, जो आप बनने वाले हैं, इकट्ठा करना, एग्रीगेटर मतलब होता है इकट्ठा करना। तो पेमेंट एग्रीगेटर से आप क्या समझते हैं, पहले तो इसकी देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है, फिर इसको समझते हैं। यह ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ई कॉमर्स साइट और व्यापारियों को ग्राहकों द्वारा भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसमें स्वयं की भुगतान एकीकरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती और इन संस्थाओं को RBI विनियमित करता है। पेमेंट एग्रीगेटर जो संस्थाएं होती हैं उन्हें RBI विनियमित करता है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि RBI ने रेजर पे, स्ट्राइप और पाइन लैब्स जैसी भुगतान प्रदाताओं को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। ये रेजर पे वगैरह तो आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई भी पेमेंट के लिए रेजर पे वगैरह के थ्रू ही पेमेंट होता है, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करती हैं। अब समझते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या है और पेमेंट गेटवे क्या है। आप इन दोनों शब्दों से परिचित होंगे, पेमेंट गेटवे से, पेमेंट एग्रीगेटर से, लेकिन आइए देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर होता है जो ई कॉमर्स कंपनियों को स्वयं की वेबसाइट या ऐप में पेमेंट स्वीकार करने का काम करता है। यह कंपनियों को पेमेंट स्वीकार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं या UPI नेट बैंकिंग, कोई भी ऑनलाइन
मीडियम के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो वह किसी न किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होता है और यह केवल ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार कर सकता है। पेमेंट गेटवे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार कर सकता है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर के साथ ये समस्या नहीं है। ये एक सेवा प्रदाता है जो कई पेमेंट स्वीकार करने वाली सेवाओं को इकट्ठा करके व्यापारियों को उपलब्ध करवाता है। जैसे जैसे हो गया आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सभी बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि पेमेंट का पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इन सभी को इकट्ठा कर लेते हैं लोग, मतलब इन सभी का ग्रुप बना लेते हैं और व्यापारियों को उपलब्ध करवाते हैं जिसको जो सुविधा चाहिए होता है। लेकिन इसमें ये पेमेंट गेटवे पेमेंट एग्रीगेटर से डिफरेंस कैसे है? पेमेंट गेटवे केवल ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार कर सकता है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों स्वीकार करता है। जैसे यह चेक ले सकता है, पेमेंट एग्रीगेटर जो भी कंपनी होगी या कि जो भी फर्म होगा वह चेक ले सकता है या डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऑफलाइन पेमेंट भी स्वीकार करता है। जैसे आप किसी जैसे आप किसी कियोस्क में गए, मान लेते हैं कोई कियोस्क है, वहाँ पे आपने उसको 1000 रुपये दिए, अब वो कहाँ किसको ट्रांसफ़र करता है वो गेटवे का मैटर है, लेकिन ये जो कियोस्क है वो एग्रीगेटर है, ये पैसे इकट्ठा कर रहा है आपसे, ये पैसे इकट्ठा कर रहा है, ये आपका एग्रीगेटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। इसको और क्लियर करने के लिए ये एक आपके सामने एक चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेमेंट गेटवे ये ऑनलाइन टच पॉइंट इंक्लूडिंग वेबसाइट एंड ऐप, पेमेंट गेटवे यह सिर्फ ऑनलाइन टच पॉइंट ही इंक्लूड करता है, जबकि एग्रीगेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन टच पॉइंट इंक्लूड करता है। पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट कर सकता है, और एग्रीगेटर के लिए कई ऑप्शन होते हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन चेक के थ्रू कर सकता है। ये आप इनको देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। हमारे आज के टॉपिक यहीं तक थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।